Hi friends, welcome back to our channel Entech Sport. Today I am back with a new video. तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया है आप सभी के लिए. तो चैट जीपीटी के यूज करके इंग्लिश कैसे सीखेंगे, तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछले वीडियो में हमने चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, इसके ऊपर थे वीडियो. तो आप सब जाके देखिए एक बार वीडियो. तो ये चैट जीपीटी के साइट ओपन किया है और ये मैं चैट जीपीटी पे क्लिक कर रहा हूँ और ये चैट जीपीटी के डैशबोर्ड ओपन हो रहा है. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं. तो ये डैशबोर्ड ओपन हुआ. अभी हम सीखते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे चैट जीपीटी के जरिए. हमें कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है और कोई एक्चुअली अब हम सब डरते हैं इंग्लिश बोलने में. तो चैट जीपीटी के यूज़ करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं, राइटिंग स्किल बढ़ा सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हूँ कि आई वांट टू फ्लुएंट माय इंग्लिश लैंग्वेज, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दैट. तो ये देखिए इस तरीके का आंसर दिया है. तो उन्होंने स्टेप दिया है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. ये देखिए प्रैक्टिस रेगुलरली, लिसन टू इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, read extensively, write in English, seek feedback, use language learning resource. ऐसे एक तरीके दिए हैं. तो हमें ये तो प्रैक्टिस करना ही है, इसके अलावा हम यहाँ पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. जैसे रेगुलरली हमारे पास कोई फ्रेंड होगा तो हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर हम डर डर के करते हैं. यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चैट जीपीटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो ये देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, कुड यू प्लीज आस्क सम क्वेश्चन दैट आई कैन आंसर यू एंड इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन. तो ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा. ये देखो ये सी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. ये तो 10 क्वेश्चन पूछे, पर ये तो एक साथ उन्होंने पूछ लिए. तो हम उनको कमेंट देंगे कि स्टेप बाय स्टेप पूछो या वन बाय वन पूछो करके. प्लीज आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन. कोई फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी एंड व्हाट डू यू एंजॉय इट. ये तो पहले भी पूछ चुके हैं. तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन रोज ही पूछे तो उनको ऐसा बोल सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड बाय यू, आस्क यू यस्टरडे करके लिख सकते. तो फिर वो दूसरे क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहे हैं. ये एक टाइप का एआई है, रोबोट है, तो वो उनके इसमें फिट है. तो वही क्वेश्चन रोज पूछेगा, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये पहले से पूछे. तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा, इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर वुड यू गो एंड व्हाई. तो ये देखो मैंने एक आंसर दिया, आई लाइक टू ट्रैवल वेरी मच, सो आई विश टू विजिट हिस्टोरिक प्लेस more than others and want to explore the sport as much as I can. तो आप भी ऐसे कम्युनिकेट करने को देखो, कम्युनिकेट करने को, ताकि रेगुलर बेस पे आप ऐसे खुद से सेंटेंस बनाएंगे तो फिर कैसे वो
इम्प्रूव होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इज देयर ए स्पेसिफिक हिस्टोरिक प्लेस दैट यू हैव इन माइंड एंड वुड लाइक टू विजिट, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट आंसर दे रहा है। तो वो ऐसा होगा कि इंसान से बात ही कर रहे हैं, जैसे जैसे तुम आंसर दोगे फिर उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे। तो मैंने शॉर्ट में आंसर दिया ताजमहल जाने का हिस्टोरिक प्लेस पर, तो फिर वो उसके ऊपर आंसर देंगे। ये पूरा रीड करना और देखना कि उन्होंने किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट किए हैं, तो इसमें से बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखो, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ताजमहल दैट यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग और लर्निंग मोर अबाउट ड्यूरिंग योर विजिट। तो वो पूछ रहा है कोई ऐसी एक्सपेक्ट है, एस्पेक्ट्स है जो ताजमहल विजिट करने का जो इंटरेस्ट रखते हैं और एक्सप्लोर करने के। तो मैं ऐसी लिखा हूँ, अकॉर्डिंग टू लोकल लैंग्वेज इट वॉज बिलीव दैट शाहजहां कट ऑफ द हैंड ऑफ ऑल द वर्कर्स हु बिल्ट द ताजमहल सो दैट दैट इज सिमिलर मूवमेंट कुड नॉट बी, ऐसा करके मैंने टाइप किया। तो देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही जाते जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप एक ट्यूटर के बिना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा चैट जीपीटी को ही ट्यूटर बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर उनको ऐसे भी पूछ सकते, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर आई एम एक्चुअली लैकिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद यू। उन्हीं को ही आप क्वेश्चन कर सकते कि मैं जो आंसर दे रहा था वहाँ पे कहाँ मैं लैक कर रहा था, कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम दे रहा था, ये भी पूछ सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर भी वो आंसर दे रहा। तो एक टाइप का क्लासेस लगाए इसी समझ में, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो ये आप फ्री में एडवांटेज ले सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए। और ये सब प्रॉब्लम है बोले इसमें, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ये सब इससे वगैरह आप अपना एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर अपने कम्युनिकेशन को एनहेंस कर सकते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे एनहेंस कर सकते हैं अपने स्किल्स को। फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा वो प्रोग्रेस आपको दिखेगा। तो आज के वीडियो में इतना है, वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आता हूँ मैं एक न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।